आ जा पाए ग्लोबल हॉस्पिटल में, यू नो, हेल्थ केयर सर ने एक नए जनरेशन के लिए नया कुछ सिखाने के लिए आपके लिए बुलाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नितिन के साथ हमेशा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, जहाँ कैंसर डिटेक्शन में भी सबसे पहले डॉक्टर नितिन मेरे साथ रहे हैं और हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, आई मीन नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ फैमिली। और वर्ल्ड स्ट्रोक डे के लिए मैं अभी से नहीं, आज ही नहीं, लेकिन आई थिंक 2-3 सालों से हम लोग साथ कर रहे हैं, तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। एंड अवेयरनेस इन एनी काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सर, जैसे कि हमने आपका ये स्पीच सुना, आपने कहा आप भी सर्वाइवर रह चुके, और सबसे पहले दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी जरूरी जी जी, और होप इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भूमिका निभाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि कर हर मैदान फतेह, समझे कि मतलब ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब समझ नहीं पाते कि कितनी पावरफुल चीज़ होती है, तो मतलब कि वो चाहे स्टडी में हो या आपके मीडिया में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है द ब्रेन। और पॉजिटिव सोचना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा कुछ हो जाए तो पॉजिटिव सोचना के कैसे मैं ठीक होऊंगा, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और डॉक्टर का सुनना। सर, आपकी जितने भी हमने मूवीज़ देखे, काफ़ी लास्ट में आप इमोशन वाला एक मैसेज दे ही जाते हैं। तो अच्छा, ये कौन सी पिक्चर है? मैंने तो नहीं देखी। हम जैसे बात कर रहे मुन्ना भाई, हम मुन्ना भाई एम बी बी एस जी जी, उस तरीके का कोई मूवी हमें देखने मिलेगा आगे जाके, क्योंकि हम वेट करते हैं सर, देखते हैं हम लोग शायद। सर, हम लास्टली जानना चाहेंगे, जिस तरह मुन्ना भाई ने आपका रोल रहा है, एक जादू की छपकी रही है, नितिन सर ने आपके लाइफ में एक अहम भूमिका निभाई है, तो आज भी आप उस रोल को फॉलो करते हैं, फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जादू की छपकी को? वो तो आप लोग को ज़्यादा पता है कि मैं करता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं वही कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनूँ, बस मेन चीज़ है। सर, लास्टली अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या? वो लास्ट तो अभी आपने बोला था अपकमिंग प्रोजेक्ट के, बैक टू बैक 2024 के आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी आने दीजिए ना फिर।